Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope all of you will be fine with the blessing of Allah Almighty. Welcome to my channel Poly Subject Lectures. Today I am here to discuss about the term foregrounding. First of all, I will discuss about the etymology of foregrounding. It is a term borrowed from the Prague School of Linguistics which refer to the artistically motivated deviation. क्या कह रहे हैं कि फोर ग्राउंडिंग जो है ये एक ऐसा टर्म है जो कि प्रैक्स स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक प्रैक्स स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक यहाँ पे टर्म ली गई है एक्चुअली में फॉर्मलिज्म फॉर्मलिज्म में एक स्कूल ऑफ जो है थॉट थी वहाँ से ये जो है टर्म बोरोड की गई है विच रेफर टू द आर्टिस्टिकली मोटिवेटेड डेविएशन मीन्स के इसमें चीज़ों को इस तरह से यूज़ किया जाता है इस तरह से चीज़ों को आर्ट किया जाता है कि एक चीज़ से हम डेविएट कर रहे होते हैं ठीक है मीन्स के डेविएट किस तरह से कर रहे होते हैं मीन्स के इस तरह से नहीं हम रूल्स डेविएट रूल से नहीं बल्कि हम अपनी थॉट्स से डैविएट करें मीन्स कि एक चीज़ को हम बुरा भी कर कह रहे होते हैं और ऐट द सेम टाइम उसी चीज़ को हम अच्छा भी कह रहे होते हैं ठीक है तो इस हिसाब से हमारी जो अटेंशन होती है वो फ़ौरन से डाइवर्ट हो जाती है या इसका मतलब हम ये कह है सकते हैं टू ब्रिंग टू द फ्रंट ठीक है किसी चीज को सामने लेके आना इस तरह से सामने लेके आना कि से जो रीडर की, की जो अटेंशन होती है वो कैप्टिवेट हो जाती है इसकी चलो हम डेफिनेशन देख लेते हैं फॉर ग्राउंडिंग इज अ लिंग्विस्टिक स्ट्रेटजी ये क्या है लिंग्विस्टिक स्ट्रेटजी है जो कि हम लिटरेचर में सॉरी लैंग्वेज में यूज करते हैं ऑफ कॉलिंग अटेंशन ऑफ कॉलिंग अटेंशन टू अ सर्टेन लैंग्वेज फीचर इन ऑर्डर टू शिफ्ट द रीडर अटेंशन फ्रॉम वट इज सैड टू हाउ इज सैड ठीक है अच्छा ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है या हम ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें हम कोई भी लैंग्वेज का कोई भी लैंग्वेज की ऐसा फीचर को इस हिसाब से यूज़ करते हैं कि जो अटेंशन होती है किसी भी रीडर की वो शिफ्ट हो जाती है किसकी तरफ फ्रॉम वट इज़ सेट टू हाउ इज़ सेड कहा क्या गया है और कैसे कहा गया है ठीक है मीन्स के है क्या और कहा कैसे गया ठीक है जैसे फो फोर ग्राउंडिंग लिटली मीन्स टू ब्रिंग टू द फ्रंट ठीक है द राइटर यूज द साउंड ऑफ वर्ड और वर्ड्स दैम सेल्व इन सच अ वे दैट द रीडर्स अटेंशन इज इमीडिएटली कैप्टिवेटेड ठीक है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रीडर जो है वो अटेंशन वो मतलब ऐसे वर्ड यूज़ करता है या वर्ड्स की साउंड्स को इस तरह से यूज़ कर रहा होता है जिससे रीडर्स की जो अटेंशन होती है वो फ़ौरन से कैप्टिवेट हो जाती है ठीक है फोर ग्राउंडिंग इज सच टेक्निक दैट इज़ नॉट ओनली बींग यूज इन द लिटरेचर टू मेक इट आर्टिस्टिक बट आल्सो इन हिस्ट्री कमेंट्री इंग्लिश उर्दू रशियन लैंग्वेज ठीक है uh, ये एक ऐसी मतलब टेक्निक है जो कि ना सिर्फ हम कह सकते हैं कि लिटरेचर में यूज होती है ठीक है बल्कि ये हिस्ट्री में भी यूज़ होती है कमेंट्री में भी यूज़ होती है इंग्लिश में उर्दू में तमाम तरह लैंग्वेज में हम इसे कह सकते हैं कि यूज़ होती है ठीक है फोर ग्राउंडिंग इज़ अ लिटरेरी टेक्निक दैट इज़ इम्प्लॉयड इन ऑर्डर टू ड्रा द एंटेंशन ऑफ अ स्पेसिफिक पार्ट पोएम नोवल शॉर्ट स्टोरी और अदर रिलेटेड अब यहाँ पे लिटरेचर के एस्पेक्ट से बात हो रही है कि फोर ग्राउंडिंग जो है एक ऐसी लिटरेरी टेक्निक है जिसके जरिए जो है हम रीडर के अटेंशन जो है वो डाइवर्ट कर लेते हैं या अट्रैक्ट कर लेते हैं किसके किसकी तरफ कोई भी नावल डिस्कस कर किया गया है या पोएम या शॉर्ट स्टोरी या कोई भी ऐसा लिटरेरी वर्ड ठीक है इन फोर ग्राउंडिंग द मोस्ट कॉमन मीन्स इम्प्लॉय बाय द राइटर इज रेपिटेशन अच्छा इसमें ना रिपिटेशन भी बहुत ज़्यादा मेन ज़रूरी होता है ठीक है मीन्स कि एक बात की जा रही है उसी उसी हिसाब से हम नेगेटिव बात भी कर रहे हैं और इस हिसाब से हम पॉजिटिव बात भी कर रहे हैं ठीक है अच्छा जी हम एग्जांपल देखते हैं कि चार्ल्स डिकन्स का एक फेमस जो है वर्क है अ टेल ऑफ टू सिटीज ये एक पोएम है अ टेल ऑफ टू सिटीज़ इसमें उसने जो है रिपीटिशन यूज़ की गई है सेम स्ट्रक्चर है ठीक है एक ही लाइन के अंदर अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम इट वाज द वॉस्ट ऑफ टाइम ठीक है अब यहाँ पर क्या इसमें दोनों में रिपीटिशन है सिर्फ एक वर्ड एक साइड पर बेस्ट कहा आ गया एक साइड पे वर्स्ट अब यहाँ पे एंटी ठीक है एंटी वर्ड यूज़ किए गए एक दूसरे के कंट्रास्ट में मुतजाद में लफ्ज़ यूज़ की गए वो एक तो एक साइड पर तो वो कह रहे हैं कि यह बहुत अच्छा टाइम था दूसरी साइड पर कह रहे हैं वो बहुत बुरा टाइम था तो यहाँ पर अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कोई भी पर्सन पड़े एक साइड पर तारीफ कर दी एक साइड पर जो है डिसप्रिशिएट कर दिए गए तो यहाँ से जो है हमारी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाती इस तरह आस्पेक्ट के आस्पेक्ट की अगर हम वर्ड्स यूज़ करते हैं सेंटेंस यूज़ करते हैं तो हमारी जो अटेंशन है वो फ़ौरन से कैप्टिवेट हो जाती है इन प्ले हेमलेट ट्रैक्टर हैमलेट वांस टू टेक रिवेंज दिस इज़ फोर काउंटिंग अब यहाँ पे अगर हम हेमलेट जो कि शेक्सपियर का एक बहुत ही मशहूर जो है वो ट्रेजिडिक प्ले है आ, अगर हम वहाँ फॉर एग्जांपल कोई भी लाइन देखें हेमलेट टू रिवेंज वट टू Take revenge अब यहाँ पे ये जो है ना ये क्या हमारे पास फोर ग्राउंडिंग अब यहाँ पे फॉर example हमने ये प्ले नहीं पढ़ा होता हमारे माइंड में आएगा यार किस चीज़ का वो revenge लेना चाहता है जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा वो अपने फ़ादर के जो मर्डर का revenge लेना चाहता है और वो भी अपनी मदर से और अपने अंकल से ठीक है अच्छा दिस इज़ फोर उसके बाद इसकी टाच को देख लेते हैं फोर ग्राउंडिंग फोर ग्राउंडिंग को फर्दर टू टाइच में जो है डिवाइड किया गया है और डेविएशन uh, सबसे पहले है पैरेललिज्म 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 क्या होता है मतलब हम सिमिलर टाइप्स टाइप्स की ग्रामेटिकल जो वर्ड्स होते हैं ये टेक्स्ट होते हैं सिमिलर वर्ड्स यूज़ करते हैं ठीक है इसमें रिपीटिशन होती है सिमिलर टेक्स्ट की ठीक है या फिर हम कह सकते हैं कि ग्रामेटिकल आस्पेक्ट जो होते हैं वो सिमिलर रिपीटिशन होती है उनकी ठीक है अच्छा पैरेललिज्म कैन बी डिस्क्राइब एज अनएक्सपेक्टेड रेगुलरिटी ठीक है जबकि जो डेविएशन जो होती है वो होती है अनएक्सपेक्टेड इरेगुलरिटी पेर इज़ एसोसिएटेड विद द क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ फोरग्राउंडिंग ग्राउंडिंग और पेरेलीज्म जो है वो फोरग्राउंडिंग की क्वांटिटेटिव टाइप से मिलता जुलता है इट वॉल्स द रिपीटेशन ऑफ द सेंटेंस स्ट्रक्चर अब यहाँ पे इसमें रिपीटेशन होती है किसी सेंटेंस स्ट्रक्चर की और कुछ वर्ड्स की या सेवरल सेंटेंस की एक ही टॉपिक के अंदर उसके बाद इसको फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है ग्रामेटिकल पैरेललिज्म और फोनोलॉजिकल पैरेललिज्म ठीक है uh, सबसे पहले ग्रामेटिकल पैरेललिज्म इसमें जो ग्रामर uh, जो होगी ग्रामर के जो आइडियाज़ होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे यानी रिपिटेशन ऑफ ग्रामेटिकल आइटम्स ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल आई किस दी आई किल दी अब यहाँ पे रिपिटेशन ऑफ द सेम मीन्स के सेम टेक्स जैसे फॉर एग्जाम्पल सेम फ्रेजिज आई किस दी आई एयर थी अब ये uh, जो है लिया गया है टर्म शेक्सपियर के थैलो से ठीक uh, है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ठीक है तो यहाँ पे आ किस थी ए थी ठीक है और ये जो ये क्या the, uh, है रिपीटेशन ऑफ दी रिपीटेशन ऑफ दी ग्रामेटिकल पैरेललिज्म है उसके बाद है फोनोलॉजिकल पैरालिजम फोनोलॉजी का आपको पता है कि साउंड से रिलेटेड होती है और यहाँ पे हम क्या देखेंगे हम साउंड्स के रिपीटिशन को देखेंगे ठीक है जैसे राइम फॉर एग्जांपल राइम और एल्ट्रेशन राइम में अगर हम देखें जैसे फॉर एग्जांपल ट्विंकल, ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार हावर वंडर यू आर अब अबाउट डी वर्ड्स ऑफ आई लाइक अ डायमंड इन द स्काई अब यहाँ पे स्टार आर ठीक है आई स्काई तो ये जो है रिपीटिशन हो रही है ठीक है सेम उसके बाद है शी सेल्स शी शेल्स ऑन सी श्योर तो ये क्या है हमारे पास रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंड एलिट्रेशन ठीक है ये फोनोलॉजिकल हो गई उसके बाद है डेविएशन डेविएशन की अगर हम एटमोलॉजी देखें तो डेविएशन का जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से निका लिया गया है डैविएटर जिसका मतलब होता है टर्न आउट किसी भी कोई भी ऐसा रास्ता जो कि मीन्स क्या हमारे लिए मुख्तस किया गया है लाइक जैसे हमारे पास सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट इंग्लिश में तो अगर हम इसे डेविएट करेंगे तो वो इसका मतलब क्या होगा कि टर्निंग असाइड हो जाएगा ठीक है तो डेविएशन इज़ एक्ट ऑफ मूविंग अवे फ्राम एक्सपेक्टेड वे डेविएशन क्या होता है एक ऐसा एक्ट जिसके जरिए हम एक्सपेक्टेड वे जो मतलब एक चीज़ है एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं किसी चीज़ के बारे में तो हम अगर उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ नहीं करते उनको यूज़ नहीं करते तो एक्सी में ये डेविएशन ही होता है ठीक है डेविएशन इन स्टाइलिस्टिक इज़ कंसर्न विद द यूज़ ऑफ द डिफरेंट स्टाइल फ्राम द एक्सपेक्टेड रूल्स फिर वही बात होगी रूल्स एंड रेगुलेशन इट इज़ द डिपार्चर फ्राम द एग्जैक्ट एंड कुरैक्ट सिलेक्शन ऑफ द लैंग्वेज अगेन अगेन यही बात की जा रही है बंदा जिसमें हम डिपार्चर कर जाते हैं आ, हम कह सकते हैं कि टर्न साइड हो जाते हैं टर्न आउट ऑफ द वे हो जाते हैं जिसमें हम लैंग्वेज को वैसे यूज़ नहीं करते जिस तरीके से हमारे पास दी हुई होती है ठीक है स्टूडेंट तो ये थी फॉर ग्राउंडिंग अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू सो मच्ल् हाफिज़